हेलो एवरीवन, दिस इज पीके सिंह। आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है काइनेमेटिक का, ये वाला वी इक्वल टू यू प्लस 80, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS एंड लास्ट में nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला ड्राइव करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे यू क्या है, इनिशियल वेलासिटी है, वी क्या है, फाइनल वेलासिटी, ए एक्सलरेशन है, एस डिस्टेंस है। तो मान लीजिए मुझे फर्स्ट करना है तो हमको कुछ मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से t इक्वल टू जीरो से कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, t इक्वल टू t तक। तो इनिशियल वेलासिटी क्या होगी, मान लेते हैं v1 इक्वल टू u है, और फाइनल वेलासिटी क्या है बेटा, v है। इनिशियल डिस्टेंस जब चल रहा है तो मान लेते हैं वहाँ पे जीरो है, फाइनल क्या है, s2 इक्वल टू s है। और यहां पर बस एक चीज याद रखना है कि एक्सलेशन क्या होता है, कांस्टेंट। ये दिमाग में रखना है, एक्सलेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लॉजिक होता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ए वी ए। सबसे पहला फार्मूला अगर स्टार्ट करना है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, दूसरा वी से करेंगे और फिर तीसरा ए से करेंगे। तो सबसे पहले ए इक्वल टू हमें पता होता है डी वी बाई डी टी। एक्सलेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज कॉल्ड एक्सलेशन। तो यहां से हम लोग डीवी इक्वल टू करेंगे ए डी टी, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, ए बाहर डी टी, जीरो से लेके टी तक, इनिशियली जो है जीरो से लेके टी तक फाइनल, और यहां पे यू से लेके वी तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी आएगा, अपर लिमिट फाइनल, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ए इसका जो है इंटीग्रेशन बेटा टी आएगा, और यहां से क्या होगा माय डियर, टी इक्वल टू जीरो। यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड देन ए टी वन टी से जीरो तक, देन आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो वी इक्वल टू यू ए टी आ जाएगा एंड वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। सबसे जरूरी होता है इसका ग्राफ। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, अगर t इक्वल टू जीरो डालें तो u आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे t इक्वल टू जीरो डाल के। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और कुछ ऐसा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी v वर्सेस t, t इक्वल टू जीरो u, और ये ऐसे जाएगा हमेशा। रीजन कि एक्सलेशन क्या है, यूनिफॉर्म। बेटा फर्स्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, सेकंड करना है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो हो रहा है आपके 11th के फाइनल एग्जाम को ध्यान में रख के, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, ठीक है बेटा। देन हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे पहला हमने फार्मूला यूज किया एक्सलेशन, दूसरा हमको वेलोसिटी से स्टार्ट करना है, रीजन इसमें डिस्टेंस आएगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले ध्यान देना है हमको इस चीज पे कि यहां से अगर डिस्टेंस हम अलग करेंगे तो ये वेलोसिटी इनटू डेल्टी हो जाएगा, और वेलोसिटी का फार्मूला अभी प्रूफ किया था, यही तो था। तो इसको यहां रख देंगे u प्लस at। इसमें दिमाग रखना है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 11th के फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही है। अब आप बताइए, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, शॉर्टकट फॉर्म लिख दिया टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, देन क्या होगा, डेल एक्स, अच्छा इधर से ये मल्टीप्लाई करिए तो यू कांस्टेंट है, डी टी आ जाएगा, ए बाहर निकालिए, ए भी कांस्टेंट है, टी इंटू डी टी। अब टाइम का लिमिट जो है जीरो से टी है, टाइम लिमिट जीरो से टी है, जीरो जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो है, और जब टाइम टी है तो डिस्टेंस क्या है, एस है, स्मॉल एस। डेल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स लिख देंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा एकदम से। अच्छा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझिए, और इसका जो हम लिंक में इसका पीडीएफ नोट आपको देते रहेंगे आप हर टॉपिक का, और ये लगभग एक 100-125 डेरिवेशन एक साथ हम बना रहे हैं लाइन से, ठीक बेटा। तो यू टी क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए, टी से जीरो प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में ऐड होता है, यहाँ वन है तो वन ऐड हो जाएगा टू, और उसी से डिवाइड कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद जब रखेंगे तो एस
माइनस जीरो और यहां पे u t माइनस जीरो और यहां क्या आएगा बेटा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस जीरो। थोड़ा सा इसको साफ से लिख देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा इसमें दिमाग में लगाने वाली बात यह है कि डिस्टेंस की पावर वन है, टाइम की पावर क्या है टू, इट मीन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनाएगी। t इक्वल टू जीरो रखिए तो डिस्टेंस क्या होगा जीरो, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम इसका कहां से होगा ओरिजिन से होगा, और जब हम टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। और ये भी याद रखना आपको पावर किसकी ज्यादा है, t की, डिस्टेंस की पावर क्या है कम, तो हमेशा जिस जिधर पावर कम होता है ग्राफ उधर क्रम जाता है पैराबोला में। तो ये हमारा जो है सेकेंड फार्मूला डराइव हो गया, ठीक बेटा। अब इसके बाद हम लोग थर्ड करेंगे बेटा। आप तीसरे नंबर पे थर्ड फार्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप मान चलिएगा कि जब दो हो चुका तीसरा, तो पहला वाला हमने ए से स्टार्ट किया था, दूसरा वाला वी से किया था और थर्ड वाला हम ए से करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होता है बेटा डी वी वाई टी एक्स डी टी सॉरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें दिमाग ये लगाना है कि किसी तरह हमको यहां से टाइम गायब करना है, तो हम क्या करेंगे आप देखिएगा ध्यान से, v इक्वल टू क्या होता है बेटा डी एक्स वाई डी टी, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आप समझिएगा ध्यान से, ए वाई वी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कट के डी वी वाई डी एक्स आ जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये आ जाएगा। यहां से हमको एक फार्मूला मिलेगा, इसको इधर ले जाइए इसको इधर लाइए, तो ए डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी, बड़ा प्यारा सा हुआ, कुछ करना नहीं है, ए ले लिया वी लिया, चाहे आप वी को ऊपर रखिए चाहे ए, आपको करना ऐसा है कि वेलोसिटी डी वी के पास पहुंच जाए और एक्स ए के पास आ जाए। अब यहां से आपको क्या करना है टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, बहुत आसान है, इतना टफ है नहीं इतना। तो अब यहां से क्या करना है, ए बाहर आ जाए क्योंकि कॉन्स्टेंट है, डी एक्स और v dv, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल क्या है v, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पावर क्या है 1, ये तो सिर्फ dx है तो इसका क्या आ जाएगा बेटा a x, अच्छा यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से s, तो अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता पावर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। उसके बाद हम यहां कर देते हैं थोड़ा सा ए एक्स की जगह पे हमारा जो आएगा वो जो है एस आ जाएगा, एस माइनस जीरो, तो चिड़िया बन गया नहीं, हटा देते चिड़िया गायब कर देते हैं, हाँ एस माइनस जीरो क्या होगा बेटा यहाँ पे वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, अब दो से मल्टीप्लाई कर दिए हाफ ए एस, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2 ए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो ये मोशन का थर्ड फार्मूला प्रूफ हो गया, बड़ा आसान सा है, ठीक बेटा। सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। इसका क्या मतलब होता है दिमाग में रख लेना आप अच्छे से, कि जैसे कोई 10 मीटर तक चल रहा है तो 10 मीटर तक चल रहा है नहीं उससे मतलब नहीं है, कोई 8 मीटर तक चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब क्या है 10 तक चला और 9 तक चला तो 9वें यानी 9th और 10th के बीच जो एक सेकंड है उसमें किससे चला। अब कोई बच्चा कहे सर जो हर सेकंड में चलता है, लेकिन चूंकि यहां एक्सलरेशन है तो हर सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए हर टाइम के बाद डिस्टेंस होगा। पहले मान ली इतना चल रहा है, दूसरे में इतना चलेगा, अगले एक सेकंड में वो इतना चलेगा, अगले एक सेकंड में वो इतना चलेगा, आप समझ रहे हो बात, तो इस दिमाग को आप रखिएगा। अच्छा इस फार्मूले से हम गैलियो का ऑड नंबर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान सुनिएगा कि हम क्या करेंगे यहां से यहां तक, मतलब मान लीजिए ये 10 सेकंड तक निकाला उससे एक सेकंड कम तक, तो यही होता है एन एस सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि अगर मुझे एस एन निकालना है तो एस एन फार्मूला आपको यही वाला लगाना है, यही वाला, लेकिन देखिए कैसे एक्स एन में से हम एक्स एन माइनस वन कर दें तो वो एन नाइन्थ टेंथवें सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का फार्मूला आएगा। तो अब आप देखिएगा ध्यान से एक्स एन यहां से आइए तो यहां पे टाइम एन टाइम में कितना चला एक्स एन चला, एन माइनस वन टाइम में कितना चला एक्स एन माइनस वन चला। तो इसमें दिमाग में ये रखना है अच्छे से कि यू की जगह तो यू ही रखना है, टाइम की जगह एन रखना है, प्लस हाफ ए
एन स्क्वायर, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, माइनस यू एन माइनस वन, अब टाइम जो है हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, अब प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना है और तुरंत कट हो जाएगा इसमें, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसको आप रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, माइनस ये अंदर ले जाइए, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, प्लस यहां जाएगा तो प्लस का हाफ ए माइनस हाफ, अब इसका हम स्क्वायर भी कर रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एन, तो वो चीज आ जाएगा हमारे पास, चूंकि माइनस है तो टू एन, तो ये जानबूझ के हम ऐसा कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी वो हम कॉमन ले लेंगे हाफ, याद रखिएगा। तो यहां देखिएगा ये इससे कट जाएगा और ये वाला टर्न इससे कट जाएगा, इससे, और आप देखेंगे ये माइनस जाएगा इसको प्लस कर देगा, और ये माइनस इसको माइनस और इसको प्लस, तो जो उसको प्लस करेगा उसको पहले लिख लीजिए आप, हाफ टू एन और माइनस का हाफ, सॉरी यहाँ पे ए भी आएगा बेटा, हाफ ए, ठीक है। तो ये चीज़ हम आप लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से, हाफ ए और यहाँ से ये वाला हाफ ए, तो आप देखेंगे यहाँ से आप हाफ कॉमन लेंगे क्या आएगा, टू एन माइनस वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जब पूछता है किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चल रहा है, ठीक है बेटा। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग गैलीलियो लॉ प्रूफ कर लेंगे, गैलीलियो ऑड नंबर लॉ। अभी अभी आप लोगों की फरमाइश पे फिर से एक चीज रह रहा था, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये बता देता हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान सुनिएगा, इसमें कुछ करना नहीं होता है, मान लीजिए कोई चीज जैसे फ्री फॉल गिर रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि कैसे, मतलब क्या है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज गिराएंगे तो फर्स्ट में मान लीजिए वो वन मीटर चल रहा है, अगले सेकंड में वो तीन मीटर चलेगा और अगले सेकंड में वो पांच मीटर चलेगा, रीजन वही कि हर सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, बस दिमाग में आपको ये रखना है। तो देखिए कुछ करना नहीं होता, मान लीजिए हमारे पास ये फार्मूला है ns सेकंड का, तो अब आप जब इसको स्टार्टिंग फ्रॉम उससे गिराएंगे तो क्या होगा, जीरो गिरेगा, तो ये फार्मूला जब ये वाला लगाएंगे तो यहां से ये जीरो हो जाएगा, यानी कि हाफ जी टू एन माइनस वन से ही स्टार्ट होगा ये, तो फर्स्ट सेकंड के अंदर क्या होगा बेटा, एक बार बताओ हमको, हाफ जी यहां पे आप देखेंगे तो ये टू इंटू वन माइनस वन, यानी कि क्या आएगा बेटा, जी बाई टू आ जाएगा, एस टू की बात करेंगे तो हाफ जी टू इंटू टू माइनस वन, तो ये आएगा थ्री बाई टू जी, और एस थ्री की बात करेंगे तो हाफ जी टू इंटू थ्री माइनस वन, आप देखेंगे फाइव बाई टू जी आएगा, एस ऐसे करते जाएंगे और जब इनका रेशियो निकालेंगे एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री डॉट डॉट डॉट, यह आएगा वन इज टू थ्री इज टू फाइव। तो ये बेटा हम अपनी तरफ से कोशिश किए कि आपको ये समझ में आ गया, बस आप इसको क्या करिए देखिए, और उसके बाद जब आप देख लीजिए तो नीचे आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फटाफट देख के एक बार प्रैक्टिस, पहले वीडियो देखिए फिर आप रोकिए फिर सोच के उसको लिखिए, अपने आप ये रिपीट हो जाएगा। 11 के फाइनल एग्जाम को देख ध्यान में रख के वीडियो बन रहा है बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन माय टिप्स का अगला लेक्चर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे होगा, प्लीज ये जो वीडियो बन रहा है ये आपको लाइक भी करना है शेयर भी करना है, जो भी बच्चा 11 का फाइनल एग्जाम में तैयारी कर रहा है उसके लिए फायदेमंद है। हाँ बेटा एक बात और, इस चीज को आप लगातार फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों क्लासमेट को शेयर करिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके, और कोई भी दिक्कत हो हम आप हमको कमेंट करिए, हम उसको दूर करेंगे।